शुरू करो और बने रहो हमारा वीडियो। ये देखो कितना खूबसूरत गांव है हमारे, इसका नाम है कटोजरियन चिकावरी। इधर देखो भाई क्या मस्त लग रहा है ना, क्या नज़ारा है भाई। अगर मेरा बीबी होता तो हम यहाँ लेके एक फिल्म शूट जरूर करते भाई, लेकिन मेरा ये मौका तो खाद से चला गया। कोरोना ने मेरे को बोल रहा है देखो कितना खूबसूरत है। अगर मैं अगर फिल्म डायरेक्टर होता तो यहाँ तो एक सिनेमा जरूर शूट करता भाई। ये देखो भाई कितना खूबसूरत गांव है। आगे जो गांव देखते रहिए हमारा ये ब्लॉग। आगे हम लोग इसी चैनल पे कुछ हेडफोन का और कुछ पावर बैंक के बारे में हम जितना था MI 30,000 mAh का जो हम पावर बैंक का रिव्यू करने वाले हैं, देखते हैं वो कैसा होगा। वो आने वाले हैं कल परसों तक आ जाएगा। अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं। ये गांव का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारा आसाम का गांव है। आसामीस लोग बहुत ही स्वीट होते हैं, बातें अच्छी तरह से कर लेते हैं। नामघर है, नामघर है यहाँ पर। ये नामघर है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे धार्मिक लोग जो है वो बातचीत करते हैं, गाना वाना गाते हैं भगवान के नाम पे। तो आगे देखो क्या मस्त लग रहा है ना। ये हमारा धान व्यापारी धान खरीद रहे हैं। अभी तो हमारा बोरो धान का सीजन चला गया तो धान लोग बेच रहे हैं। ये आगे और एक चौक आ गया, तिनियाली जिसे कहते हैं। ये आगे हम लोग जा रहे हैं, छोटा सा ब्रिज मिलेगा जिसके नीचे यहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ पकड़ते हैं लोग। जब बाढ़ आती 10-15 दिन बाद यहाँ पर मछली का बाज़ार होगा, यहाँ पर बाज़ार होगा ये भैया बोल रहे थे। ये आगे देखिए धान का बाज़ार है ना, अभी मछली का बाज़ार होगा। हाँ यहाँ पर सुखाते ज़्यादा अच्छे तरीके से सुखाते हैं। तो आगे चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखो इधर एक फिशरी बना हुआ है नया सा, छोटा सा गिरदोनी में मछली छोड़ने वाले हैं लोग। और आगे इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे मोरीगांव टाउन, लेकिन आज जा नहीं पाएंगे बिना हिलाओ। अभी हम पहुंचने वाले हैं बखरबोरी, जो एक असमिस नाम है बखरबोरी। और थोड़ा हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर हमारे एक बड़े भैया रुके हुए हैं। वो कार उसको दे देंगे और हम लोग वहाँ से वापस। ये तो बहुत स्लिप कर रहा था, धान की ऊपर रखा दिया ना, बहुत स्लिप किया था। ये हमारा गाड़ी अभी स्लिप किया हुआ था, आवाज़ किया था, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, अच्छी बात है। इसका मतलब है हमारा नाक अच्छा है। आगे हमारा क्या होता है देखते रहिए। देखते रहिए हमारा भाई, आगे को भी देखाएंगे। ठीक है, क्या बोलता है उसको बोल दो। वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं, वो फार्मासिस्ट में और वो मेडिकल में देते हैं। कभी मेडिसिन की ज़रूरत हो तो आप फोन कर सकते हैं होलसेल में। होलसेल में अगर मेडिसिन चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके लिए भी। तो हम अभी यहाँ पहुँचे तो बखरबोरी तिनियाली चौक कहते हैं असमिस में। यहीं पर रुका हुआ है हमारा बड़े भैया, वो किधर अभी तो दिखाई नहीं दे रहे लगाओ, लेकिन आगे होगा। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा।
वो हमारा भैया थोड़ा आगे रुका हुआ है, वो बद्धपुरी कहते हैं इसे, वहाँ पर वो एक मेडिकल शॉप पे है, वहाँ जाना पड़ेगा। और देखते रहिए ये आसाम का रोड, देखो कितना अच्छा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हमारे लिए काफ़ी है। हम बचपन से ही वो कच्चे रास्ते से चले हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा पक्का हुआ रास्ता मिला तो हम इसी को एंजॉय कर रहे हैं। आगे आसाम का वो देखो पेड़ पौधे है, वो बहुत ही खूबसूरत है, इसके लिए हमारा आसाम बहुत ही फेमस है वहाँ। तो आगे देखते रहिए इधर, इसको क्या बोलता है, क्या नारायण है। ये आगे जो आप लोग देख रहे हैं ये जगह, यहाँ पर हमारा वो जो संक्रांति होता है उस टाइम पे यहाँ पर वो बफेलो फाइट जो होता है, इसका जो लड़ाई होते हैं वो देखने को मिलता है। हमारे आसामीज में उसको मागर भी कहते हैं, आठ महीने में जो शुरू होता है उस टाइम पे होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा होता है। जो अगले साल तक हम आप लोगों को यहाँ से दिखाएंगे, दो चार वीडियो मिल भी जाएगा, इधर का नहीं लेकिन दूसरे जगह का एक वीडियो भी है हमारा इस चैनल पे, इसके साथ हम दिखते रहेंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर जो फाइट होता है ना आसाम का, वो भी फाइट आप देख पाएंगे, यही पे होता है फाइट में, दो चार लोग तो मारे मर भी जाते हैं, बंद भी कर दिया था सरकार ने, तो बंद कर दिया फिर भी हम आसामी से लोग कहाँ मानते हैं, हम रुकने वाले तो है नहीं, कराते हैं लेकिन थोड़ा सरकार का बात भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम चोरी छुपे से करते हैं, परमिशन लेके करते हैं। और आगे जाना है, सिविल में जाना है, ये ही सिविल है, नहीं नहीं और आगे इसी तरफ जाना है, सिविल इधर ही था या नहीं है, आगे मेडिकल शॉप पे वो, वहाँ मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, या वहाँ पर आते हैं सामान वगैरह अगर मेरे हाथ में भेज देते हैं घर के लिए, तो हम यहाँ से आके ले जाते हैं। इसी रास्ते से हम आए थे पहले बार भी, यही पे हमारा बाइक बंद हो गया था, ट्रैक्टर को क्रॉस करते वक्त हमारा बाइक का वो गियर चेंज किया तो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उस सदम में पड़ गए थे हम, लेकिन क्या होगा, हम तो नए नए सीखना सीख रहे थे तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होता रहेगा। ये आगे एक गाड़ी हमें ओवरटेक करके जा रहा है, तो जाना चाहिए था लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग वो दुकान आकर पहुँच ही गए हैं, यहीं से हम लोग वापस चला जाएंगे, इस कार को भैया को दे देंगे, उसको इस कार का ज़रूरत है, तो मेडिसिन वगैरह ले जाते हैं तो उसको बाइक में पहुँच ही पहुँचता है, यहीं पर रुका हुआ है।